27 में कहा गया, ए फार्मर बायज ए ह्यूज ट्रैक्टर फॉर 12,000, ही पेस 6,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 12,000 में तो उसने ट्रैक्टर खरीदा था और 6,000 उसने पेड कर दिया, तो अनपेड अमाउंट कितना हो जाएगा? सबसे पहले अनपेड अमाउंट ही फाइंड कर रहे हैं, अनपेड अमाउंट। तो 12,000 का ट्रैक्टर था, 6,000 उसने शुरू में ही पे कर दिए, तो बाकी बचे 6,000। तो अनपेड अमाउंट 6,000 हो गया, उसका 12% तो वो इंटरेस्ट देगा, देखिए 5,000 हर एक महीने ना 500 रुपीज देगा, और इसके अलावा 12% देगा वो इंटरेस्ट जो हमारे पैसे थे। तो देखिए सबसे पहले मंथ के लिए वो क्या करेगा, 12% का इंटरेस्ट देगा कितने पर, 6,000 पर, और इसके साथ साथ वो प्लस के 500 रुपीज भी देगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मंथ में जो हमारा अमाउंट बचेगा ना वो बचेगा 5,500, फिर उस पर वो 12% का इंटरेस्ट देगा, ठीक। और इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, ये वाला पेड करने के बाद इंटरेस्ट, ये वाला भी इंटरेस्ट पेड करने के बाद 500 रुपीज भी दे रहा है वो अलग से। तो नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो ये बचेगा, उसका 12% देगा वो, ठीक है ना, फिर 500 रुपीज पेड कर देगा। तो इस तरह से वो लास्ट में 12% ऑफ 500 पेड करेगा, ठीक है ना, जब लास्ट में। और यहाँ पे ये वाला पे करने के बाद जब वो 500 रुपीज पे कर देगा तो हमारे पास कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं, है ना, तो उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं बेसिकली, ये वाला हमारा इंटरेस्ट फाइंड करना हमें, ठीक है ना। ये 500 500 500 तो हमारा कुल मिलाकर 6,000 ये वाला हो जाएगा जो अनपेड अमाउंट था। इस अनपेड अमाउंट के अलावा ये वाला जो ना इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं हम, लिख रहे इंटरेस्ट इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 12% ऑफ 600 प्लस 12% ऑफ 5,500 प्लस 12% ऑफ 5,000 प्लस, और इस तरह से कहां तक जाएगा, 12% ऑफ सिर्फ 500 तक, जब लास्ट में 500 बचे जाएंगे ना उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जैसे ही वो 500 रुपीज पेड कर देगा फिर कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। तो देखिए 12% हमने बाहर लिख लिया ऑफ, और ये जो हमारा सारा मनी था ना इन सबको ऐड कर लिया हमने, ये इस तरह से हमारे क्या बचेंगे, 500 लास्ट में बचेगा। इससे पहले वाला अगर हम देखें तो वो क्या होगा हमारा 1,000 रहा होगा, और ये लास्ट में हमारा 500 रहा होगा, इस तरह से, ठीक। ये हमारी क्या है, एक एपी है, क्योंकि देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दिया, 500 का डिफरेंस आ रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एपी हमारी, देखिए अगर कोई एपी हमारी इस तरह से है 2, 4, 6, तो इनका सम भी 12 है। अगर मैं 6, 4, 2 लिख दूं, इसे पलट के लिख दूं, तब भी हमारी एपी है, तब भी उसका सम 12 है। तो मैं इस एपी को पलट के लिख रहा हूं, मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं, 12% ऑफ 500 प्लस 1000 इस तरह से, और लास्ट में हमारा टर्म कौन सा आ जाएगा, 6,000 आएगा, नहीं आएगा, बस इस तरह से मैंने इसे पलट के लिख दी सीरीज को, वो इसलिए लिख दी क्योंकि अभी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक। तो इन सभी का सम करना है हमें, तो मुझे ये चेक करना है कि भाई इसमें ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड हमारा होगा 1,500 इस तरह से, कुल हमारे कितने टर्म है, ठीक। तो ये फाइंड करते हैं कि कितने टर्म है इसमें, 1, 2, 3 ऐसे करते हैं, ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ ए हमारा कितना है, 500 पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस जो डी है वो 1000 माइनस 500 कर दिया, तो कितना आ गया, 500 आ गया। एन हमें फाइंड करना है, और ये हमारा nth टर्म हो गया, ए एन इक्वल टू 6,000। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 × d, तो हमें एन पता चल जाएगा, इसकी जगह मैंने लग दिया 6,000 500 प्लस एन माइनस 1 × 500, ए की वैल्यू भी 500, डी की वैल्यू भी 500, ये हो जाएगा 500 प्लस 500 की मल्टीप्लाई एन से कर दी 500, एन माइनस 500, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6,000 इक्वल टू कितना बचा, 500 एन, ये मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 00 00 कैंसिल है, ये बचा 12, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 12। इसका मतलब ये कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते ये हमारा जो अमाउंट है ना ये 12th प्लेस पाएगा, या इसका मतलब ये भी हो गया कि उस वाले फार्मर ने
12 मंथ्स तक का इंटरेस्ट पे किया था और 12 मंथ तक 5500 रुपीस पेड करे थे, ठीक। तो अब देखिए इन सभी का सम फाइंड कर लेते हैं और उसका 12% फाइंड करते हैं, तो वो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट ये कितना हो जाएगा, 12% ऑफ सम करते हैं इन सभी का। तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के एन टर्म का सम होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक। तो n हमारा कितना आया था 12, तो ये जगह 12 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आ जाएगा, पहला टर्म हमारा कितना 500 प्लस 12 माइनस 1 इनटू डी, डी कितना हमारा 500, ठीक है जी। ये आ गया 12% को हम लिखेंगे 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया। यहां बचा 11 की मल्टीप्लाई 500 से करिए तो कितना जाएगा 5500, 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करके कितना जाएगा 6500, 00 00 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 65, ये हो जाएगा 12 6 72 मल्टीप्लाई 65। तो 72 की मल्टीप्लाई कर रहे 65 से, 5 2 10 1 5 7 35 36 हो जाएगा, 6 2 12 1 6 7 42 43 0 8 6 4, तो ये हो गया हमारा 4 6 8 0। तो ये वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट के तौर पे पेड किया जा रहा है, 12,000 तो उसकी कॉस्ट थी, ठीक है ना, इतना अमाउंट पे इंटरेस्ट पे कर दिया। तो कुल मिला के वो जो ट्रैक्टर की कॉस्ट हुई ना, वो इन दोनों का सम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। तो देखिए 12,000 का तो वो उसने लिया था और इतना उसने क्या कर दिया, आ जाएगा 16,600।